गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू हिमालयन वल्चर। कैसे आप लोग? एक और नया दिन कल्पा के अंदर, और आज जो हम लोग निकल रहे हैं नाको, अभिलाष, अभिषेक और नक्षित छोटा बदमाश। तो बस अभी प्रेडिक्शन ये है कि स्नोफॉल हो सकता है वहाँ पे आज या मे बी कल, बट वेदर तो एकदम क्लियर है, वहाँ का कुछ पता नहीं है। बट ये लोकल लोगों से पता करा था तो कल स्नो पड़ चुकी है, पर आई एम नॉट श्योर क्योंकि कंफर्म नहीं है अभी भी। अगर मिल गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज लेट्स सी कैसा रहता है। बट आई विल शो यू द नाको पोस्ट दिवाली, क्योंकि जो कि मैंने भी कभी नहीं देखा है कि विंटर के स्टार्टिंग में नाको कैसा हो जाता है, तो वो देखेंगे। बाकी कल का एपिसोड है वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने कुछ शॉर्ट्स दिए थे आपके लिए मस्त मस्त, उसका मुझे अपना रिव्यू शेयर करना। तो बस अभी थोड़ा निकलते हैं, रास्ते में रुकता हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, तो आपसे मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में। तब तक आप नज़ारे एंजॉय करो। नाको जाते थे बीच में अराउंड आफ्टर 25 किलोमीटर, बीच में अभी रुके हम एक जगह जो यहाँ से वाटरफॉल पड़ता है, तो सबसे पहले वाटरफॉल आपको दिखाता हूँ मैं। लेवल देख रहे हो, विंटर्स में भी पानी तेज है यहाँ पे, जब समर्स में आप आते हो तो पानी का लेवल और बढ़ जाता है, और तक आपको अपनी तरफ खींचता है, तेज में फोर्स होता है। तो बस सोचते हैं यहाँ पे फोटो सेशन वगैरह करते हैं और निकलेंगे नाको के लिए, और जैसे कि बीच में रुकता हूँ तो आपसे मिलता हूँ मैं दोबारा। तो अभी हम लोग पू पहुँच चुके हैं, और अभी हमने एक जगह ब्रेक लिया है लुंगडा कैफ़े, जो लास्ट टाइम आए थे हम अराउंड, तब मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा था, बट यहीं पे मैंने जब अभिलाष भी साथ में था मेरे। अभिलाष भाई, हाउ द एक्सपीरियंस सो फार? क्योंकि लास्ट टाइम का डेटा हमारा सब उड़ गया था पता नहीं कैसे तो बस डेटा नहीं उड़ने देना है। तो बस अभी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे नाको के लिए। सॉरी, तो नाको यहाँ से स्टिल लग गया है 1.5 आवर का डिस्टेंस है, टैक्सी कैसे रहता है। तब तक यहाँ का व्यू एंजॉय करो। और सामने से है ये नाको की रोड जा रही है सीधा ऊपर माउंटेन पीक पे, बर्फ पड़ चुकी है। नीचे कुछ बोलना चाहोगे आप? बोलिए। शो में जाती देर से मुझे कल उल्टी हुई थी। कल उल्टी हुई थी? आज भी उल्टी करने की बात कर रहे हैं। तुम्हारा सिम भी नहीं आई? नहीं, आज सिम भी नहीं आई। तो बस अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अवेलेबल नहीं है, मैगी खानी पड़ेगी और चाय पीनी पड़ेगी। तब तक व्यूज एंजॉय करो और मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये बेसिकली खाप संगम है, जब आप नाको जाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा ये। तो यहाँ पे सतलुज रिवर और स्पीति वैली रिवर जो है आके मिलती है, और जिसे संगम कहा जाता है खाप संगम के नाम से। और यहाँ का तो व्यू है एकदम ऑसम है यार, रोड अभी और अच्छी होने वाली है, अभी आपको आगे का व्यू दिखाऊंगा। तो बस वगैरह फोटोग्राफी करते हैं, निकलते थोड़ी देर में आगे और तो व्यू एंजॉय। तो अभी हम लोग नाको पहुंच चुके हैं फाइनली, अराउंड पहुंचने लगे 4 आवर्स क्योंकि ब्रेक वगैरह में लिया है। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं नाको व्यू पॉइंट, पड़ता है एक जो पहले मैं कभी नहीं गया नहीं हूँ लास्ट टाइम यहाँ पे,
तो यहाँ का ट्रैक है अराउंड 800 मीटर का, गाड़ी नीचे खड़ी हो जाएगी आपकी, और यहाँ से ये पैदल रास्ता है। चलम मनी 800 मीटर से, बट यस थोड़ा डिफिकल्ट तो है। तो चलते हैं नाको लेक के लिए ऊपर पॉइंट पे, वहाँ से व्यू दिखाता हूँ और मिलता हूँ थोड़ी देर में। ये रास्ता है जाने का ऊपर। गाइस देखो देखो देखा हाँ देखा तो भैया की चल रही है यहाँ पे। वो भी दिखाओ कितना गर्म कैसे रहते हैं यहाँ पे। हाँ वो देखो एक और गधा यहाँ ऐसे गर्म ऐसे रहते हैं यहाँ पे। हे यू हेलो हेलो उस पार में गए थे और हम लोग इधर आए। तो अभी हम लोग एक जगह रुके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। हमें यहाँ पे एक नई चीज़ दिखी है यहाँ पे जो हमें पता ही नहीं था एग्जैक्टली। वहाँ पे कहाँ करवा? तो ये है हेलीपैड, नाको में भी हेलीपैड है यहाँ पे, जो पहले पता ही था, कभी देखा नहीं था यहाँ पे। क्या बताना चाह रहे हैं? कि दारू पी रहे हो? हाँ भैया चलिए दारू, वो भी सेब के साथ में ना, वो गर्म रखने के लिए। तो अभी चाइनीज़ वगैरह ऑर्डर करा है, मगर आप जब दिवाली के बाद आप नाको वगैरह आओगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे होम स्टे ही ओपन मिलेंगे, होटल का सब बंद हो चुके होंगे। खाने के ऑप्शंस काफ़ी कम रहेंगे, जैसे यहाँ पे चाइनीज़ अवेलेबल है, नूडल्स एंड दाल राइस रोटी एंड सब्जी एंड ऑल, सो बस वही अवेलेबल रहेगा। तो बस अभी खाना वाना खाते हैं और निकलेंगे थोड़ी देर में, तब तक आप व्यू इन्जॉय करो। जैसे मैं अगर रुकूँगा तो आपसे मिलता हूँ फिर मैं। तो फाइनली वापसी आ गए हैं अपने नाको ट्रिप से सेफली, एकदम रास्ते को दिक्कत नहीं है। बाकी इस बार जो इस एपिसोड में ड्रोन शॉट थे या सिनेमैटिक शॉट एकदम मस्त मस्त आए थे, कमेंट करके मुझे बताना कौन सा शॉट आपको अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। तो बस अभी के लिए इस एपिसोड में केवल इतना ही, अब बस बैठ के आराम करेंगे, ठंड बहुत ज़्यादा है, अराउंड भी -1 होने वाला है एक घंटे के अंदर अंदर, तो बस चाय वाय पियेंगे, रेस्ट करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, क्योंकि नए एपिसोड आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम।